कोविड संक्रमण को देखते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने दिवाली के पटाखे फोड़ने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस संदर्भ में मंगलवार को आदेश जारी स्पष्ट किए गए हैं। तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर रोक भी लगाई गई है। उसी प्रकार अस्पताल के आसपास व साइलेंट जोन में पटाखेबाजी पर पाबंदी लगाई गई है। दिवाली की वजह से बाजार में भारी भीड़ जुट रही है, इस वजह से कोविड संक्रमण फैलने का खतरा है। उसी प्रकार पटाखे जलाने से तेज आवाज के साथ जहरीला धुआं भी निकलता है, जो कि कोविड के मरीजों के साथ सामान्य जनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से रोशनी के त्योहार को सादगी और आनंद से मनाएं, पटाखे फोड़ने से बचें। हर किसी को सजग रहने की जरूरत है। कोविड से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। दिवाली की भीड़ को लेकर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि दुकानदारों के साथ वहां खरीदी के लिए आने वाले लोगों को भी कोविड से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। नियमों को तोड़ने, मास्क सही तरीके से नहीं लगाने, सड़क पर थूकने, बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने, भीड़ बढ़ाने आदि के मामले में आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51-60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 अनुसार कार्रवाई की जाएगी।